जापान के ऊपर से दो मिसाइल दागने वाले उत्तर कोरिया को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका सामने आ चुका है। अमेरिका ने युद्ध का ऐलान करते हुए उत्तर कोरिया के ऊपर से लड़ाकू विमान छोड़ने शुरू कर दिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलकायदा आतंकी शुमोन हक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आतंकी की लंबे वक्त से तलाश थी। अनवर डॉन और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबरन उगाही और धमकी देने के आरोप में मुंबई स्थित घर से पकड़ लिया गया है। योगी सरकार के आज 6 महीना पूरे हो चुके हैं। इसके चलते योगी सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर पिछली सरकार के कारनामे गिनाए। योगी सरकार योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है आज। पर्यटन विभाग की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत कई प्रमुख मंदिरों में करेंगे दर्शन। आज शाम 5 बजे सीएम योगी मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे, जिसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा संभव है। अहमदाबाद के नरोदा केस में अमित शाह एसआईटी कोर्ट पहुंचे, यहां उन्होंने कोर्ट पहुंचकर गवाही दी। शाह ने कोर्ट को बताया कि जिस दिन नरोदा पाटिया में दंगा भड़का था, उस दिन माया कोटनानी विधानसभा में थी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों पर 10 पन्नों के हलफनामे को दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों के पास अवैध पहचान पत्र है और रोहिंग्या मुसलमान आईएसआई से जुड़े हैं। मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में ये बेहद ही संवेदनशील मामला है और भारत सरकार जो भी फैसला लेगी वो देश हित में होगा। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों से वो अपील करते हैं कि भारत और भारत सरकार के बारे में अफवाहें न फैलाई जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का केंद्र पर बड़ा हमला, बोली मायावती ईवीएम में गड़बड़ी कर हमारी पार्टी को हराया गया। मेरठ में रही कर अपनी हत्या किया प्रयास के आरोप लगाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती के आरोप निराधार हैं, ऐसे कोई आरोप नहीं लगाता, ये आरोप वही लगाता है जो हताश होता है। बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे के पटेल नगर में पारिवारिक कलह के चलते 20 वर्षीय नवविवाहिता ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कानपुर के बड़ा थाना क्षेत्र में गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने गए सपा नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसे में मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई। बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे में अवैध रूप से चल रहे एक निजी नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही से एक जच्चा और बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिवार वालों और ग्रामीणों ने शव को अस्पताल के सामने रखकर जमकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। दरअसल लड़की का पिता शराब के नशे में था, उसकी मां की पिटाई कर रहा था, बीच बचाव के चक्कर में बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किसान पिछले कई दिनों से पानी और बिजली की समस्या को लेकर परेशान है, जिसके बाद मढ़ियान तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में काफी वक्त बीत जाने के बाद भी शाम को उपजिलाधिकारी ने 20 सितंबर तक किसानों को पानी देने की बात कही। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर के गदरपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा।